Hi there to everyone who's watching this brand new episode of God Owns Tomorrow. We are here with the part two of the series In His Presence with Pastor Rajiv Lyall. Just wanted to let you know that the last week, the last month, we were together in unity in His presence and we were seeking His face. And also we were praying for all our prayer requests. And guess what? God showed up. I thank the Lord. I'm so grateful, so honored that I know Him and also that I serve Him. We serve a God who lives and we serve a God who is ready to care for us and who is also ready to answer our prayers. More than 10 plus people contacted us, they wrote to us, they called us, and they testified how God healed them completely. There is a good news for you. This coming week, we will be doing this again. We will together sit and we will again seek His face, and the purpose will be to pray for healing. If you need any sort of healing physically or spiritually, I would appreciate if you can just write to us. You can call on the numbers on the screen, or you can even inbox us, you can even email us, you can even write in the comment section, and we will be honored. We would love to pray for you. God is ready to heal you in this very month. September will be a month of healing. I prophesy in the matchless name of our Lord Jesus Christ. Just have complete faith. God is ready to heal you in this present moment. I can feel the anointing. I can feel His presence. And as we go in His presence, as we hear this message by Pastor Rajiv Lyall, go in His presence, seek His face. He will bless you with your healing. This month, September, is your month of healing. God owns tomorrow. खुदा यीशु मसीह एक स्त्री से बात कर रहे हैं यूहन्ना की इंजील उसके चौथे अध्याय में, और बात करते करते कहने लगे, अगर तुझे मालूम होता कि तू किससे बात करती है तो तू उससे मांगती। हमारा मांगना ऑटोमेटिक होगा, हमारा मांगना आप से आप होगा अगर हमको पता हो जाए कि इस चीज़ में कैसी खूबसूरती है। अगर आपको पता हो जाए उसकी इबादत में कैसी खूबसूरती है, अगर आपको पता हो जाए उसके सामने घुटनों में आने पर कितनी सुंदरता है, अगर आपको पता हो जाए वो कितना मोहब्बत रखने वाला खुदा, अगर आपको पता हो जाए कि आप थोड़ी देर खुदा की हुजूरी में रह करके देख सकें खुदा उन कैसा मेहरबान है, आप उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाएँ, तो मांगना आप से आप होगा और आप कहेंगे, खुदावन क्या ये मुझे मिल सकता है, क्या मैं खुदा की हुजूरी को अपने घर ले जा सकता हूँ। और खुशी से नाश्ता हुआ दाऊद खुदा की हुजूरी को अपने घर ले करके गया। खुदा की हुजूरी, उसकी उपस्थिति, उसकी चीज़ों का निहारना, ये एक ऐसी खूबी है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा हमारी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से नहीं होती। हमारे पास बाकी चीज़ों के लिए वक्त होता है, पर हमारे पास बहुत दफ़ा खुदा के लिए वक्त नहीं होता। आप गौर करके देखिए, जब आप अपने घर में दुआ करते हैं, आप गौर करके देखिए, जब आप फैमिली प्रेयर करते हैं या क्वाइट टाइम करते हैं, जब चर्च जाते हैं, अक्सर आपकी निगाह आपकी घड़ी पर जाती है। ये जल्दी से हो जाता अगर तो ये अच्छा रहता, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, खुदा उनकी हुजूरी को, उसकी खूबसूरती को निहारने के लिए वक्त निकालिए, नहीं तो आपका वायदा अधूरा रह जाएगा। आपके वायदे की बरकत आपको वैसी नहीं मिल पाएगी जैसी खुदा आपको देना चाहता है। अगर आपने वायदा किया है कि आप खुदा के साथ चलेंगे, तो उसके साथ ये जोड़ लीजिए कि खुदा बाप, मैं तेरे साथ चलूँगा, पर साथ में तेरी मनोहरता पर दृष्टि लगाऊँगा, तभी आपके वायदे का फल आपको मिल पाएगा। क्योंकि जब आप खुदावंद की खूबसूरती के ऊपर ध्यान देंगे, तो आप से आप मांगेंगे, खुदावंद ये पानी मुझे पिला, खुदावंद ये वाचा का संदूक मैं अपने शहर लेकर के जाऊंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर थे, तो उनकी एक अमीर शख्स ने दावत करी, और इसका वाक्या पाया जाता है लूका की इंजील उसके सातवें अध्याय में, कि खुदावंद यीशु मसीह इस घर में जाते हैं और वो उसके लिए और उसके चेलों के लिए सब इंतज़ाम करता है, और वहाँ पर एक पापी स्त्री आ जाती है। और जब पापी स्त्री आ जाती है, तो वह आकर के खुदावंद यीशु मसीह की इबादत कर रही होती है, और ये शख्स शमौन अपने दिल में शिकायत करके कहता है कि अगर ये वाकई धर्मी होता तो उसको पता होता कि ये स्त्री तो पापिन है। उसने स्त्री की ओर फिर कर शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर आया, परंतु तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी ना दिया। अगर मैं शमौन की जगह होता तो मैं कहता, खुदावंद आप तो हमारे घर में मेहमान हैं, पैर धोने के लिए तो पानी उनको दिया जाता है जो घर के सदस्य हैं। जैसे कि आप जब दिन अपना ख़त्म करके आते हैं धूल में, मिट्टी में, पोल्यूशन में, और गाड़ी चलाकर घर पहुंचते हैं, तो आप सीधे उस कमरे में जाते हैं जहां पर जाकर मुँह हाथ धो सकें और अपने आप को साफ़ कर सकें। आप घर में जाकर ड्राइंग रूम में नहीं बैठते। इसके बरक्स,
जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप पहले मेहमान को अपने घर में उस जगह पर बैठाते हैं जो इज़्ज़त का स्थान है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है इज़्ज़त के स्थान से बेहतर अगर तू मुझे उस स्थान पर रखता जहाँ पर तू अपने घर के लोगों को रखता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता। क्या कहना मांग रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह? खुदावंद यीशु मसीह शायद ये कहना मांग रहे हैं कि शमाउन तूने ये सब कुछ जो किया ये अधूरा हो गया। तूने मेरी पार्टी करी, तूने मेरे चेले बुलाए, तूने पैसा खर्च किया, तूने इंतज़ाम किया, तूने पूरा एक दिन निकाला, लेकिन ये अधूरा है जब तक इसके साथ ये ना जुड़ा हो। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं ज़िंदगी भर खुदा के घर में रहूँगा, लेकिन किस लिए? इसलिए कि मैं उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगा सकूँ। कोई तो कारण है जिससे दाऊद ने लिखा कि मैं उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाऊँगा। इसका मतलब वो खूबसूरत है और वो मनोहर है। अगर हम वक्त निकाल कर उसकी तरफ देखें तो हमको पता चलेगा कि वो कितना खूबसूरत है और कितना मेहरबान खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब ज़मीन पर था तो उसने इस वाली बात को सिखाने की कोशिश करी कि हमें अपने दायरों से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर हमने सिर्फ कुछ दायरे बना रखे हैं कि हम खुदा के घर जाएंगे और जा कर के एक तरीका पूरा करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे तो ये काफ़ी नहीं है। इस आयत के दोनों हिस्से तब पूरे होंगे जब हम खुदावन की हुजूरी में जाने का वायदे के साथ में उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाने के काम को भी जोड़ देंगे। बहुत दफ़ा हम खुदावन के साथ में चलते हैं और हम रुक जाते हैं, हम रुक करके एक जगह ठहर जाते हैं और उतना वक्त खुदावन के लिए नहीं देते। शायद हम इससे अधिक वक्त बाकी चीज़ों को देते हैं, पर अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल करके खुदावन की खूबसूरती के ऊपर ध्यान दें और आगे जाएं, अपने आप को महदूद ना करें, अपने आप को लिमिट ना करें, तो हमें खुदावंद नहायत खूबसूरत नज़र आएगा।